यस एसपी मोना। सर हमें हुक्म का इक्का मिल गया, आपकी तलाश पूरी हुई। गुड, बट आर यू श्योर अबाउट हिम? यस सर, शेर जैसा दहाड़ता है, किसी से बिल्कुल नहीं डरता, पहले मारता है फिर सोचता है। वो बारूद का गोला है, वो मामूली इंसान नहीं है सर। मतलब? सर वो एक क्रैक फाइटर है। क्या बात है, तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए। पुलिस वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ। अरे मोहिनी, मुझे लॉकअप में नहीं डालोगी क्या? पहली बात तो ये, मेरा नाम मोहिनी नहीं मोना है। इतने दिनों से तो मैं तुम्हें मोहिनी नाम से ही जानता था, इसलिए आदत पड़ गई है। छोड़ो, दूसरी बात क्या है बताओ मोहिनी। अब सॉरी मोना। दूसरी बात ये कि चुपचाप बैठे रहो। जय हिंद सर। जय हिंद। शंकर तुम? इसे जानते हैं? हाँ, ये हमारे ही रॉय एजेंसी का एक बहादुर एजेंट है, शंकर। लेकिन ये अभी तक जिंदा है, ये बात मैं नहीं जानता था। बोलो शंकर, तुम जिंदा हो, ये बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? हम लोग तो समझे कि तुम मारे जा चुके हो। मजबूरी थी सर। कोई मजबूरी नहीं थी। कहते क्यों नहीं कि अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे, इसलिए अपने आप को मृत घोषित करके एक दूसरी जिंदगी जीने लगे, वो भी पहचान बदल कर। जिसकी पूरी जिंदगी ही छिन गई हो, वो कौन सी जिंदगी जिएगा सर? अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं, ये साबित हो चुका है कि तुम डरपोक हो, देशद्रोही हो। तुमने रॉय एजेंसी की आंखों में धूल झोंका है, हम सबको चीट किया है। चीट तो आपने किया है सर। अगर उस दिन चंगेज को छोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो मारा जाता और कई जिंदगियां बच जाती। रही बात देशभक्ति की तो मैं हमेशा से एक सच्चा देशभक्त रहा हूँ।